माँ फातिमा अंडा खाने आई है, अंडा बड़े शौक से खाती जाए। बता दूँ माँ फातिमा खाती हूँ शौक से अंडा। हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। आज संडे है, काफ़ी लेट उठा हूँ मैं, तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा है और नाश्ता बनाने लगा हूँ मैं अपने लिए। आज मारू कर अपने लिए जो मैं नाश्ता बनाऊँगा, क्योंकि मैंने सोचा आज मैं नाश्ता बनाता हूँ। सिर्फ मुझे अंडा ही ज़्यादा बनाना आता है, वो भी अंडा फेंट के जो बनाते हैं वो वाला। और ब्रेड का नाश्ता होगा। तेल जो है वो गर्म हो रहा है, ये मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है। अब देखता हूँ मैं कैसा बनाता हूँ नाश्ता। तो अब मोबाइल में समझ जा रही है मैं इसको कहाँ सेट करूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसको सेट करना पड़ेगा ताकि मेरा जो है वो व्यू सही है। चलिए जी, अब हमारा जो ऑयल है वो काफ़ी गर्म हो चुका है, तप रहा है, ये इसके अंदर से धुएँ निकल रहे हैं। मैं थोड़ी देर के साइड पर देता हूँ इसे। अब अंडे लूँगा, अंडे को सही से सीखना पड़ेगा। अंडे के लिए मुझे कोई चीज़ मिल जाए बस यहाँ से। मैं किचन में आया हूँ, काफ़ी टाइम बाद आता हूँ, तो मुझे चीज़ों का ना पता नहीं होता इतना है। और ये छोटी सी जो प्याली मिली है वो ये है, इसे कहते हैं टिक्की वाला अंडा। टिक्की वाला अंडा आज मैं बनाने लगा हूँ, और मुझे आमलेट या टिक्की वाला अंडा ही बनाना आता है, तो इसे मैं फेंकूँगा। ये पहले मैं सोचा था मैं प्याज टमाटर भी काट लूँ, दूसरे टाइप का अंडा बनाऊँ आमलेट, लेकिन आमलेट जो है वो फिर मैंने सोचा बड़ा लंबा चौड़ा सीन हो जाएगा इसका, तो इस वजह से मैं आप लोग कहते हैं सूरज ग्रहण जो है वो यहाँ पे चल रहा है। ब्लॉग में सोच रहा हूँ अब हर 2 दिन बाद ब्लॉग जो है करना शुरू कर दूँ, लेकिन यार टाइम का इतना रोला होता है मेरे लिए, टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे मेरे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, मैं खुद भी कर रहा होता हूँ, कुछ आउटसोर्सिंग भी हो रही होती है, इस वजह से ये चक्कर चल रहा होता है। इसके अंदर डालेंगे अब हम नमक और मिर्च, बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ऊपर से छिड़कते हैं वैसे, फिर तो फेटेंगे ऑयल को, फिर थोड़ा सा ऊपर रखते थे थोड़ी देर के लिए गर्म होगा और फिर ये बन जाएगा। ये अपनी जगह पे रखते हैं, ये बस ये काम होता है संडे में, और ज़्यादा काम होता नहीं है संडे में, कोई मेहनत वाला काम नहीं होता, बस यही वाला काम होता है इसमें। अब इसके अंदर डालेंगे ऑयल, मैंने बड़ा कम किया था ऑयल में, चीज़ों में काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि ऑयल अपनी चीज़ों में बहुत कम यूज़ किया करें और करवाया करें, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। बस अब हम इसको डाल देंगे, पता नहीं कैसा होता है ये अंडा। अब आपको ऑयल फुल तप रहा था, इसे फुल जो है ना वो ज़बरदस्त सा होना चाहिए था, लेकिन मैंने रख दिया था ऑयल पैन जो है वो साइड पर, तो वो थोड़ा सा जो है एकदम जैसे ठंडा हो, और गैस भी नहीं आ रही। ये है गैस का कि गर्मियों में भी गैस आ रही नहीं आ रही, बहुत तंग हो गया इसके मामले, बहुत तंग हो गया। अच्छा जी, तो अंडा हमारा जो है वो हो चुका है, अब हम इसे पलटेंगे इस अंडे को, और मैं पलटने के लिए चम्मच से इसको पहले यूँ कर देता हूँ सारा। अभी जो नीचे ऊपर का अंडा लगा ये होके ये भी हो जाता है, अंडा बड़ा प्यारे तरीके से फिर जो है वो बनता है आपका।
उसके साथ हम मिल्क शेक जो है वो नोश फरमाएंगे। मिल्क शेक मेरी मामा ने मेरे लिए पहले बना के रखा हुआ था, तो अंडा बन चुका है, ब्रेड वहाँ पड़ी है, ब्रेड को हम सीखी सिखाई करेंगे और फिर हम आराम से खाएं। मैं ब्रेड लेके आया हूँ, ब्रेड मिल चुकी है, अंडा बन चुका है, मोटा अंडा बनना है यार, मैं ऐसा अंडा बनेगा। दो अंडे, तो ये दो अंडे बड़े मैंने जरा मोटा बना दिया इसको। अब जैसा भी बने हम इसको ही खाएंगे। मैं तो संडे का, मेरा तो बस मूड था कि संडे का दिन आप लोगों के साथ शेयर करूं, बाकी अब ये कैसे बनने के लिए नहीं पता कि ये बात सोच रहे हो कि कैसा बनाया है, किस तरह बनाया है। मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं हूँ ना कि मैं कैसा बनाया है, कुछ करना उसमें काम को कर देता हूँ, मैं करने से पहले कुछ सोचता नहीं, और यही मेरी एक अच्छी आदत है। अगर आप सोचना शुरू हो जाए ना तो फिर आपको कुछ नहीं आता, आप एक्सपेरिमेंट ही ऐसे कर सकते हो कि आप किसी की चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा सोचोगे नहीं तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। ये हमारे जो हैं पीस गर्म हो रहे हैं, हेल्दी सॉल्ट जो है वो तैयार हो चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। तो मैंने जो है वो नाश्ता दस्तरखान पे लगाया है, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद मैंने ऐसा नाश्ता बनाया है और बड़े मैं इसको अच्छे तरीके से बैठ के खाऊंगा। छोटा सा है पर मेरे लिए सही है, इतना ही होता है। और माँ फातिमा इस वक्त हमारे पास आ चुकी हैं। माँ फातिमा इस वक्त अपनी मामा की गोद में है और इस वक्त मैं ये अपनी गोद में शिफ्ट हो गई है माँ फातिमा। माँ फातिमा अंडा खाने आई है, मैं अंडा बड़े शौक से खाती जाए। बता दो माँ फातिमा, खाती हो शौक से अंडा? खाती हो ना? खाती हो शौक से। ये बड़ी प्यारी बेटी है बाबा की, ये बाबा की रानी है। बाबा के साथ बैठ के नाश्ता करेगी या मामा के साथ बैठ के नाश्ता करेगी, जल्दी से बता दो, चूज कर लो या टॉस कर लो, हैं कैसे करो? अब माँ फातिमा जो है वो नाश्ता करने लगी है। माँ फातिमा चलो जल्दी से, खुद नहीं करना, मामा ही करवाएंगे। अंडा बड़े शौक से खाती है मेरी बेटी जो है वो। अब मैं भी ज़रा कर लूँ कि मैंने तो एक बाइट भी लिया नाश्ते जिसने उससे बनाया। बस हमारा जो दिन है माँ फातिमा की शरारतें देखते देखते गुजर जाते, कहीं ले के जा नहीं पाते। हमने सोचा था हम इसको ये बड़ी उजी की तो जू शू ले के जाएंगे, जू शू तो सारे ही बनने। माँ फातिमा खाया कर दो, पीने माँ फातिमा पीने। म्यूजिक मज़े का लगा, ऐसे मज़े का लगा।
नाश्ता हमारा जो हो गया फिनिश, काफ़ी मज़ा आया ऐसा नाश्ता करके, काफ़ी दिनों बाद मैंने ऐसे उठ के खुद बना के, बने तो कोई बना ही देता है। टाइम भी जो है ज़्यादा हो गया, तो मैंने काम देखने अपना, तो माँ फातिमा को मैं देता हूँ उसकी मामा को, माँ फातिमा शराती अम्मा हजरत मामा के पास आएगी। और मैं व्लॉग को अभी ही एंड करूँगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी।